हेलो एवरीवन, मैं हूँ वरुण। आप देख रहे हैं वरुण अवस्थी आर्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन मटेरियल को कैसे यूज़ करते हैं। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो होगी जो मेरे इंस्टाग्राम में बहुत लोगों ने कहा था कि बनाओ, तो ग्रीन मटेरियल को कैसे यूज़ करते हैं ये बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज ऐप है, तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर न हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेना है। यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर का एक एक गैप लेना है। ओके, यहाँ पे मैं एक डॉट मारूंगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सेम डिटो तरीके से यहाँ पे भी आपको कर लेना है। सारी डॉट्स कर रही है। अब इसके बाद आपको करना है, इस वाली को आपको यहाँ पे नीचे वाली इससे जोड़ना है, ठीक, इस वाली से जोड़ना है। चलिए देखिए कैसे आपको करना है, आपको बता दूँ मार्कर्स के लिए। तो अब ये हो गया है, अब आपको क्या करना है, सेम चीज करनी है आपको इसके साथ। यहाँ इस वाली लाइन से लेके आपको इस वाली डॉट तक इसको जोड़ना है। तो चलिए इसको भी जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। बीड्स हैं ये जो बॉक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, तो ये हैं पूरे 15 और ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 भी गिना जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नंबर्स डाल देना है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आपकी आउटलाइन करने से। तो नंबर कुछ ऐसे डालना है, यहाँ पे डालना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये वाले बॉक्स में डालना है आपको 11। अब सेम चीज़ आपको यहाँ पर करनी है 1, 2, 3 को, चलिए उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, अब ये हमारा पूरी ग्रिड आज की वीडियो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ग्रिड कैसे बनाते हैं ये हो गया है, तो ये बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे आपको जहाँ पे जो भी दिया गया हो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक बॉक्स के हिसाब से 2 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो आज के स्टूडियो में बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक लिए बाय बाय। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्रिड वाले ऐप को आपको डाउनलोड करने से करना है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास अभी वो ऐप नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, एंड प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है ग्रिड ड्राइंग। ओके, ग्रिड ड्राइंग सर्च कर देना है, फिर आप यहाँ नीचे आओगे, आपको थर्ड नंबर का जो ऐप है आपको वो डाउनलोड करना है। ओके, देख सकते हैं कैसा है ये ऐप, थर्ड नंबर का ऐप है, आप इसको अच्छे से देख लो। 9.5 MB का इसको इंस्टॉल कर, अब ये देखिए यहाँ पे ये ऐप हमारा, ये ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो ये है वो हमारा ऐप, तो अभी हम लोग इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन कर लेते हैं, दिखाते हैं कैसा ऐप है। तो जो परमिशन मांगे आपने मांगे मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे इंपोर्ट योर फोटो आपको आएगा, तो आप वर्टिकल मतलब सीधा सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ जो होता है साइज, वैसे लेटा हुआ जो होता है साइज वैसे, और A4 अपना पेपर का भी साइज़, और कस्टम में भी साइज़ आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप कस्टम में स्केच बना रहे हो तो नॉर्मली मैं वर्टिकल और A4 में बनाता हूँ, तो इसमें कर देना आपको ओपन। तो मैं ज़रा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको क्रॉप कर लो, देन ये हो गई क्रॉप। तो इसमें आप लोग देख सको कितना ज़्यादा इसमें ऑप्शन है, एकदम एकदम अच्छी सी ग्रिड बना सकते हैं, बट इतनी ज़्यादा मुझे परफेक्शन में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लाइन और लेबल, ये लेबल आप देख सकते हो ऊपर 1, 2, 3, 4, 14 तक है, बट ये 20 mm का रखने हैं, 15 mm का है, मतलब 1 सेंटीमीटर और 5 mm ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 20, मतलब 2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेबल लगा दिया, ये एक बॉक्स 2 सेंटीमीटर का है, और आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आप 3 लाइन में साइड में क्लिक करोगे तो आप साइज़ और इफेक्ट, अब मेरे तो ब्लैक एंड वाइट है, तो ब्लैक एंड वाइट आप आउटलाइन अलग अलग इफेक्ट में भी रख सकते हो।
देन उसके बाद आप इसके स्टोक्स का भी 1 mm सही रहता है, कुछ लोग को इससे भी पतला चाहिए होता है, इससे मोटा चाहिए तो आप 2 कर सकते हो, तो ये देखें मोटे हो गए स्टोक्स, बट सबसे अच्छा सही 1 रहता है। तो फिर उसके बाद हम लोग कलर भी बता सकते हैं कि किस कलर का रहना चाहिए, मतलब सब कुछ एक चीज़ से हम लोग बता सकते हैं। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सो रियल साइज़ का, तो अब ये जो एक बॉक्स है ये 2 cm का, एकदम करेक्ट 2 cm का है, तो अब आपको कोई चिंता नहीं।